दिल्ली तो बाद हुण आम आदमी पार्टी पंजाब विच भी योगा क्लास शुरू करेगी। दिल्ली दे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वल्लों ए दावा कीता गया। आम आदमी पार्टी दे कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी ते इल्जाम लगाए ने। उन्हां दा कहना है कि बीजेपी सत्ता दे नशे विच है ते योगा क्लासेस इन्हां दे निशाने ते है। केजरीवाल ने कहा कि ए लोग सत्ता दी दुरवरतों कर रहे ने ते बीजेपी योगा क्लासेस नूं बंद करवाउणा चाहुंदी है, पर केजरीवाल का कहना है कि वो क्लासां नूं बंद नहीं करनगे, इस नूं जारी रखनगे। इसलिए जो भी उन्होंने करना पिया वो करनगे ते चाहे भीख मांग के उन्होंने टीचर्स नूं पैसा देना पवे। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि दिल्ली विच योगा क्लास के नाल नाल वो पंजाब विच भी हुण योगा क्लासेस चलाउणगे। इस दे नाल ही जे गुजरात विच आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो इत्थे भी वो योगा दी क्लासां शुरू करनगे। ये बहुत ही दुख की बात है, बेहद दुख की बात है। योगा कौन बंद करता है? पहली बार सुना होगा कि इतना अच्छा, लोगों की सेहत के लिए इतना अच्छा कार्यक्रम था और उसे सत्ता के नशे में, अहंकार के नशे में इन लोगों ने केवल पेटी पॉलिटिक्स के चलते इन्होंने इसको बंद कर दिया। जब से ये खबर पिछले कुछ दिनों से समाचार ये चल रहा है कि योगा क्लासेस बंद होने वाली है, योगा क्लासेस बंद होने वाली है, लोगों में बहुत गुस्सा है इसको लेके, बहुत ज़्यादा। और आज जब अखबारों में छपा कि ये योगा क्लासेस बंद होने वाली हैं, मेरे पास कई टीचर्स के फ़ोन आए जो टीचर्स ये क्लासेस लेते हैं। उन टीचर्स ने कहा कि सर क्लासेस बंद नहीं होनी चाहिए, हम क्लासेस करेंगे, हम पेमेंट नहीं लेंगे, हम बिना पेमेंट के क्लासेस करेंगे। तो मैं आज ये ऐलान करना चाहता हूँ कि योगा क्लासेस बंद नहीं होंगी, योगा बंद नहीं होगा। ये लोग अपने सत्ता के अहंकार में कानून का दुरुपयोग करके, अफसरों को डरा धमका के, एडमिनिस्ट्रेशन का गलत दुरुपयोग करके ये चाहे सरकार का समर्थन वापस ले लें, लेकिन दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके इन योगा क्लासेस को करवाएंगे, ये योगा क्लासेस जारी रहेंगी। मेरी सभी टीचर्स से अपील है कि आप योगा क्लासेस में कल से जाइए, आप योगा क्लासेस लीजिए। मुझे अगर घर घर जाके भीख भी मांगनी पड़ेगी कटोरा लेके, मैं खुद जाके भीख मांगूंगा लोगों से और आपकी पेमेंट करूंगा। जो भी आपके चार्जेस हैं वो मैं चार्जेस दूंगा और योगा क्लासेस होंगी, योगा क्लासेस को रोका नहीं जाएगा। ये लोग अपने सत्ता का दुरुपयोग करके रोकेंगे तो दिल्ली की जनता जो है वो इसका जवाब देगी। और अभी तो दिल्ली में शुरू हुई है, मेरी भगवंत मान साहब से जो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं उनसे भी बात हुई है। पंजाब के अंदर भी हम पंजाब के 3 करोड़ लोगों को योगा सिखाएंगे। गुजरात में हमारी सरकार बनेगी, गुजरात में भी हम लोगों को फ्री में योगा सिखाएंगे, सब लोगों को योगा सिखाएंगे। और मुझे पूरा यकीन है एक दिन ऐसा आएगा जब देश के 130 करोड़ लोगों को हम लोग फ्री में योगा सिखाएंगे।